Hey guys, welcome to my channel Natural Beauty with KV. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस पैक जो कि आपकी स्किन से सारे सनटैन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस फेस पैक में हम जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और हमारे स्किन से सनटैन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी और फटाफट से बता देती हूँ कि इस फेस पैक को आप किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें फर्स्टली चाहिए होगा राइस फ्लोर, चावल का आटा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल चावल को ही आटा बना लिया है। आप भी नॉर्मल चावल को ही मिक्सर ग्राइंडर में पीस के आटा बना सकते हैं। चावल का आटा हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देन आपको लेना है यहाँ पर दही। दही हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सनटैन को रिमूव करता है। इसके बाद में हमें लेना है कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारी स्किन से सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल कर बहुत ही ग्लोइंग से स्किन प्रोवाइड करेगा। अब हमें लेना है लेमन जूस। लेमन जूस विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है और विटामिन सी हमारी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद में आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रहे कि आपको इसमें पानी या फिर रोज़ वाटर ऐड नहीं करना है। आपको इन्हीं चीज़ों से अच्छी तरीके से एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी का फेस पैक बनाना है। अगर आपको लग रहा है तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं या फिर और दही ऐड कर दीजिए, बट आपको इसमें पानी ऐड नहीं करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का आपको एक फेस पैक तैयार करना है। अब आप अपने फेस को किसी भी केमिकल फ्री फेस वॉश से अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, वाइप कर लीजिए। देन ये जो फेस पैक है इसका एक अच्छा खासा इवन लेयर अपने स्किन में लगा लीजिए। ध्यान रहे कि आपको अपनी अंडा एरिया पे कभी भी फेस पैक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है, बट हमारा जो अंडा एरिया का जो स्किन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे हमेशा स्किप करें। इस फेस पैक को लगाने के बाद ये जो बचा वाला फेस पैक है इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप इसे बॉडी पर लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10 मिनट तक रखिए, नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसे वाइप कर लीजिए और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ निविया का सॉफ्ट विटामिन ई लाइट मॉइस्चराइज़र। ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, जस्ट बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है ये वाला मॉइस्चराइज़र। सबसे अच्छी बात कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीजी नहीं होता, स्टिकी नहीं होता, स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू कैन यूज़ दिस। इसके बाद आप देख सकते हैं इस फेस पैक को लगाने के बाद, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मेरी स्किन में क्या सही वाला ग्लो आया है, बहुत ही सही वाला ग्लो आया है। तो फ्रेंड्स, आपके स्किन टाइप चाहे जो भी हो, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अपने फेस में नहीं, इनफैक्ट अपनी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको सनटैन की प्रॉब्लम हो गई हो तो आप ये वाला फेस पैक यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। 2 से 3 दिन के बाद ही आपके सनटैन है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के नए वीडियोज अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले चेकआउट कर सके। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।